अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स, और आज हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के ऊपर सेकंड वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो कि पेपर के अंदर आ भी चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत पहले आए थे और उनके दोबारा आने के चांसेस है, और जब पहले आए थे तो कई बच्चे उसे कर भी नहीं सके। तो चलते हैं फौरी तौर पर। सबसे पहला पॉइंट है जो आपके सामने आ चुका है, द सेकेंड नेम ऑफ एवरेज इज डैश। ये कभी आया नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम वो पॉइंट ही डिस्कस करें जो आ चुके हैं, हमें वो भी तो डिस्कस करना चाहिए जो कभी नहीं आया हो। तो ये आया तो नहीं है लेकिन आने के चांसेस हैं, अगर आएगा तो वेरी गुड, मजा आ जाएगा। तो यहां कहा हुआ है कि द सेकेंड नेम ऑफ एवरेज इज डैश। तो भाई एवरेज का सेकंड नेम क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते है? तो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। तो सेकंड नेम इसका क्या होता है? नंबर वन एमसीक्यूज है सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है और जो बच्चे स्टडी करते हैं बुक को वो जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो याद रखें। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, अगर पूछा जाए तो वेरी गुड, मुझे भी बड़ी खुशी होगी, इसलिए कि ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो अच्छे बच्चे ही जानते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, और ये सेकंड पॉइंट आपके पेपर में कई बार आ चुका है, जबकि पहला पॉइंट जो था वो एहतियातन था, लेकिन सेकेंड जो पॉइंट है ये बहुत बार देखा गया है, पेपर के अंदर आया गया है। और क्या है? In a set of data, it is value of the variable which appears or occur often. It is the most common value is called dash. अब बुनियादी तौर पर ये हमारे पास medians की definition है, sorry mod की definition। किसकी है? mod की, ठीक है। और median की जो definition है वो book में दी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी दी हुई है कि वो कभी उन्होंने paper में नहीं दी, लेकिन ये इस तरह की है मॉड की डेफिनेशन के लिए कम से कम 40 इयर्स के अंदर, 30 इयर्स के अंदर कम से कम ये जो है फोर टाइम ये पॉइंट्स आया हुआ है। तो आ सकता है, ऊपर वाला एहतियातन कर रहे हैं, ये वाला अक्सर आया हुआ है, नोट कर ले। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? मॉड। ये बहुत खास है, बार बार आता है, इसे नोट कर लें। ऊपर वाला एहतियातन है क्योंकि आ सकता है, आना चाहिए। सेकंड वाला तो बहुत बार आया है। अच्छा, नंबर थ्री, जिसने 2006 में काफी धमाके कर दिए थे, और क्यों कर दिए थे? कि बहुत से बच्चों के 99 नंबर के पीछे इसी एमसीक्यूज का हाथ था। अच्छा, बाजू ने बहुत स्टूडेंट ने तुक्के लगाए और उनके तुक्के चल गए, लेकिन बहुत सारों के तुक्के नहीं चल सके। उन्होंने ये देखा कि भाई थ्री मीडियम में से अगर टू मीन निकाल देंगे तो मॉड नजर नहीं आ रहा, तो इसका आंसर मॉड ही आएगा। तो जिन्होंने इस तरह का तुक्का लगाया वो तो फायदे में रहे, लेकिन जो तुक्का नहीं लगा सके तो वो 99 नंबर लेके बैठे हुए। और मुझे इस हवाले से बहुत अच्छा याद है, एक अल्ताफ फैमिली थी, उनके मतलब 5 बहनों को मैंने पढ़ाया, और माशाल्लाह से 4 बहनों के 100 में से 100 आए और एक के 99 आए, और वो इसी की वजह से आए, इसलिए मुझे याद है। और इसीलिए आपसे जिक्र कर रहा हूं कि ये वो एमसीक्यूज थी जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे भी इसको मिस कर गए थे। तो इसका आंसर मॉड है, लेकिन इस तरीके से नहीं है इसका आंसर कि 3 में से हमने 2 मीन निकाल दिए तो आपका 1 मॉड आया, बल्कि ये असल में एक ऑब्जर्वेशन है। हमारी बुक के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है और इसे आप तलाश भी करेंगे मिल जाएगा, और इसी वजह से वो आया। और ये हमारा एक स्टैटिकल एक ऑब्जर्वेशन कि अमूमन अगर मॉड का आंसर आता है तो अगर मीडियन का आता है और मीन का आता है तो मीडियन के आंसर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके मीन के आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करके जो इसका डिफरेंस आता है, नॉर्मली मॉड उसके हिसाब से उसका आंसर आता है। तो कहते हैं ना कि कुछ हर सब्जेक्ट्स में
कुछ लोगों के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो ये किसी का एक्सपेरिमेंट है जो बहुत पॉपुलर है और ये आगे जाके कॉमर्स में भी है और बहुत जगह है। इसे आप याद रखें, 2006 के बाद आज तक नहीं आया, लेकिन 2006 में भी फर्स्ट टाइम आया था। अब नंबर फोर पे आ गए थे और नंबर फोर में बहुत ही आसान से एक बात दी है जो कि अगर आपने क्वेश्चन किया है तो बासानी आप कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ क्लास इंटरवल 4 to 10 देन मिड वैल्यू इज डैश। अगर आपने अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डाटा किया है तो बड़ी आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट कैसे करना है कि अगर आपको क्लास इंटरवल दी जाती है तो नंबर फोर को हम किस तरह से करेंगे कि इसके अंदर ये होता है कि आपके एक लोअर लिमिट है। और याद रखें ये भी पॉइंट आ सकता है कि 4 और 10 में छोटे नंबर को लोअर लिमिट कहा जाता है, बड़े नंबर को अपर लिमिट कहा जाता है। तो छोटा नंबर लोअर लिमिट होता है, ये मैंने पॉइंट इसके अंदर लिखा नहीं है, एमसीक्यूज में नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारी बातें मैं साथ साथ भी बताता हूँ कि ये जो क्लास इंटरवल है 4 इसका लोअर लिमिट है, 10 इसका अपर लिमिट है। पूछा गया है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि हम इसका एवरेज निकाल देते हैं, जैसे 4 और 10 यानी लोअर और अपर दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और जैसे हमने ऐड किया तो ये 14 आया, और 14 को जैसे ही हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसकी जो मिड वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। तो याद कर लें कि ये पॉइंट भी आपके पेपर में आ सकता है। अगर आप पूछना चाहें कि आया नहीं आया, लेकिन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और चूंकि हमें कुछ ऐसा भी आपको पढ़ाना है जो कभी आया ना हो लेकिन आने के चांसेस हो। अच्छा, तो नंबर 5 है, नंबर 5 पे भी आ जाते हैं। नंबर 5 में जो पॉइंट है इसको भी आप देख लें, क्योंकि ये इब्तदाई क्वेश्चन है तो छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैट्रिक में उन्होंने मखसूस क्वेश्चंस ही बार बार रिपीट करते हैं कराची बोर्ड में, और बहुत बुरी इनकी आदत है, इसलिए कि बच्चे वही सिलेक्टेड चीजें पढ़ के चले जाते हैं और उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा जो स्टूडेंट होता है या बहुत दरमियाना होता है वो सारी जैसे ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसके नंबर जो है वो 199 आ रहे हैं, जो उससे काफी ज्यादा डाउन होता है उसके भी नंबर 92-93 होते हैं, लेकिन उनका मेंटल लेवल बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन मार्क्स में 4-5 नंबरों का फर्क होता है, लेकिन आगे जब इंटर में आते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो यहाँ पे अब नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है इन क्लास इंटरवल 17 to 21। अब मैं इसको 2 इसलिए पढ़ रहा हूँ, बाद में 2 भी दे देते हैं, लेकिन 17 to 21 यानी 17 से लेके 21 तक नंबर हैं, और कहते हैं कि देन साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज डैश। अब जो बच्चे क्वेश्चन से करते हैं तो उन्हें इस तरह से समझाया जाता है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल वहां पे एच से रिप्रेजेंट होता है, वो कहते हैं पहली क्लास है तो उसको जो है सेकंड लोअर लिमिट में से लेस कर लो, या फिर सेकंड अपर क्लास में से उससे प्रीवियसली क्लास को आप लेस कर लो तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। अब आप बताएंगे अगर आपको ऐसे दिया हो तो फिर कैसे साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालेंगे, हो गया ना मसला। तो कोई मसला नहीं लेना आपने, आपके हाथ के जैसे फिंगर होते हैं, ठीक है, और इस तरह 5 ही फिंगर होते हैं ना आप लोगों के, ठीक है, बार इतनी सेहतमंद उंगलियां आपकी तो नहीं होती होंगी, लेकिन 1 2 3 4 5 ठीक है, शुगर है 5 ही बनी है वरना फिंगर 6 बन जाती, लेकिन ये फिंगर तो ऐसे लग रहा है जैसे क्रैक आ गया हुआ है इसमें, तो ठीक है ये 5 फिंगर है। अब हमने करना है साइज ऑफ क्लास इंटरवल अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले पहली फिंगर पे 17 ले लेंगे, फिर 18 लेंगे, फिर उसके बाद 19 लेंगे, और फिर 20 लेंगे, और फिर 21 लेंगे, और अगर फिंगर खत्म हो जाएंगे तो सेकंड हैंड के फिंगर को लेना शुरू कर देंगे और बाद में इसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 यानी 1 2 3 4 3 ओहो 1 2 3 4 5 तो कितने है 5। तो अगर लोअर लिमिट को काउंट करते हुए अपर तक जितनी फिंगर्स होंगी उन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तो ये इसका साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा, यानी कि इसका आंसर 5 हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो
इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि कुछ पॉइंट वो हैं जो कि बहुत ही डेंजरस थे जो आपसे डिस्कस किए, और कुछ वो हैं जो बार बार आते हैं, और कुछ वो हैं जो कभी आए नहीं है लेकिन आने की पूरी पूरी इनमें सलाहियत है। तो इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह एक नई वीडियो इसी चैप्टर के ऊपर आपको अनकरीब मिल जाएगी। और कमेंट्स में आपकी कमी होती है, आप कमेंट्स करेंगे तो हमें इसमें हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि हम ना आपसे फीस लेते हैं ना हम आपसे जो है कुछ ख्वाहिशात रखते हैं, सिर्फ आप एक कमेंट्स करें। और मैंने कभी अपने स्टूडेंट्स को, देखने वालों को ये नहीं कहा कि भाई आप तारीफ ही करें, अगर आपको कोई मसला है तो आप मसले को भी निशानदेही करें, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो मुझे इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।